यूपी में हाई अलर्ट पर भाजपा, मकर संक्रांति पर लखनऊ में करेगी बड़ा ऐलान, गठबंधन में सीटों पर बनेगी बात। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले दो मंत्रियों समेत 7 विधायकों के भाजपा छोड़ने के बाद अब पार्टी हाई अलर्ट पर है। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद को लेकर चल रही अफवाहों के बीच भाजपा ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी है। बुधवार शाम को होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल से मुलाकात कर टिकटों को लेकर बात की थी। यही नहीं, गुरुवार शाम को एक बार फिर से वो इन नेताओं से मुलाकात किए। इस मीटिंग के बाद गठबंधन में दोनों पार्टियों की सीटें तय हो सकती हैं और 15 जनवरी को लखनऊ में इसका ऐलान किया जा सकता है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने 15 से 18 सीटों पर लड़ने की मांग की थी। अमित शाह से लंबी मीटिंग के बाद निषाद पार्टी को 15 सीटें दी जा सकती हैं। खुद निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने भी ये बात कही है कि उनके उम्मीदवार 15 सीटों पर उतर सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि संजय निषाद के ही सिंबल पर भाजपा के भी कुछ उम्मीदवार उतर सकते हैं। इसी बैठक में अनुप्रिया पटेल को भी 15 सीटें दिए जाने पर सहमति बनी है। हालांकि उनकी मांग इससे कहीं ज्यादा 35 से 40 सीटों की थी। इससे पहले 2017 में अपना दल को भाजपा के साथ गठबंधन में 11 सीटें मिली थी और 9 पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में भाजपा संभल कर चल रही है, वह इन नेताओं को छिटकने नहीं देना चाहती। इसके अलावा भाजपा टिकट बंटवारे में भी बड़ा संतुलन बनाए रखना चाहती है। यही वजह है कि लगातार 3 दिनों से वेस्ट यूपी के ही 2 चरणों के चुनाव के लिए टिकटों पर विचार चल रहा है। दरअसल भाजपा चाहती है कि टिकट बंटवारे में पूरी तरह से जिताओ फैक्टर को ही अहमियत दी जाए। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।